दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। जैसा कि आप लोग जान रहे हैं, इज़राइल और ईरान में युद्ध लगातार चल रहा है, और इस युद्ध को देखते हुए हमारे डीजी शिपिंग ने, शिपिंग मास्टर ऑफ इंडिया ने, डायरेक्टरेट जनरल ऑफ शिपिंग मुंबई ने एक एडवाइजरी जारी किया है सी फेरर के लिए, जो लोग और जिनका साइन ऑन साइन ऑफ ईरान इराक से हो रहा है या होने वाला है। सो आइए, क्या एडवाइजरी है आपके सामने रखता हूँ। आप मेरे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो व्यू कीजिए, लाइक कीजिए। जय भोलेनाथ, जय शिव शंकर। तो दोस्तों, ये आप देख सकते हैं, हमारे सामने है भारत सरकार का मिनिस्ट्री ऑफ पोर्ट शिपिंग एंड वाटर वेस्ट, डीजी शिपिंग ऑफ इंडिया मुंबई का ये एडवाइजरी है। एडवाइजरी क्रू DGS सर्कुलर नंबर 310 87 31087, और ये 3 अक्टूबर को रिलीज़ हुआ है। एडवाइजरी में जो सब्जेक्ट है उसमें बोला जा रहा है कि एडवाइजरी फॉर सी फेरर्स, RPS एजेंट्स, एम्प्लॉयर्स और वेसल ओनर्स रिगार्डिंग कॉलिंग इंडियन पोर्ट्स इन लाइट ऑफ ईरान इज़राइल वार। जो ईरान इज़राइल में जो वार चल रहा है उससे रिलेटेड ही ये एडवाइजरी जारी किया गया है, जो RPS एजेंट्स, एम्प्लॉयर और वेसल ओनर को बोला गया है। ड्यू टू द ऑन गोइंग मिडिल ईस्टर्न कॉन्फ्लिक्ट एंड द सबसिक्वेंट वार विच हैज एरप्टेड बिटवीन ईरान एंड इज़राइल, द मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया हैज इशूड एन एडवाइजरी स्ट्रॉन्गली रिकमेंडिंग दैट इंडियन नेशनल शैल अवॉइड एनी नॉन एसेंशियल ट्रैवलिंग टू ईरान अनटिल फर्दर नोटिस। तो सरकार कह रही है आपको, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, ये अपना मिनिस्ट्री ऑफ शिपिंग इंडिया बोल रहे हैं कि अनलेस क्या हो, कोई भी अनलेस मतलब इमरजेंसी हो, आप ईरान जाना अभी जो है अपना कैंसिल कर सकते हैं, फर्दर नोटिस, जब तक फर्दर नोटिस होता है। दिस एडवाइजरी ऑल्सो अप्लाइज टू द सी फेयर, देयर एम्प्लॉयर्स एंड शिप ओनर्स हु मे बी प्लानिंग ट्रैवल और इंडल्ग एंड एसोसिएट इन ऑपरेशंस इन्वॉल्विंग पोर्ट इन ईरान। ये सी फेयर्स के लिए भी है, एम्प्लॉयर के लिए भी है, शिप ओनर्स के लिए है, जो कि अपना ईरान ट्रैवल कर रहे हैं ज्वाइनिंग से रिलेटेड या किसी और काम से रिलेटेड। इन लाइट ऑफ द करेंट वार, इन लाइट ऑफ द करेंट वार, सी फेयर्स आर एडवाइज नॉट टू साइन ऑन और ऑफ फॉर एनी पोर्ट इन ईरान, एज द सेफ्टी एंड सिक्योरिटी ऑफ आवर सी फेयर्स आर पैरामाउंट इंटरेस्ट। एम्प्लॉयर्स आर स्ट्रांगली एनकरेज टू रिशेड्यूल क्रू चेंज प्रोसेस टू अल्टरनेटिव पोर्ट्स इन ऑर्डर टू अवॉइड एनी अनफोर्सिन कॉन्सिक्वेंसेज एंड सेफ गार्ड द लाइफ ऑफ द प्रॉपर्टी। एनी प्रायर कमिटमेंट्स एंड ऑब्लिगेशंस विद रिस्पेक्ट टू क्रू चेंजेस इन ईरान शुड बी इमीडिएटली री इवेल्युएटेड एंड पोस्टपोन फॉर विथ। मतलब कोई भी क्रू चेंज ईरान में है उसको फिर से रीवेल्यूट कीजिए और उसको ट्राई कीजिए पोस्टपोन करने के लिए। फॉर द सी फेयरर्स करेंटली स्टेशन इन ईरान, इट इज क्रूशियल टू रिस्ट्रिक्ट मूवमेंट्स एंड अवॉइड अननेसेसरी ट्रैवल। और जो लोग सी फेयरर ऑलरेडी ईरान में हैं, उनके लिए ये क्रूशियल रिस्ट्रिक्ट, उनका मूवमेंट जो है बहुत ही ज़्यादा क्रूशियल मूवमेंट्स है। ऑलवेज स्टे इन्फॉर्म अबाउट द लोकल कंडीशंस एंड बी विजिलेंट। तो आपको जो है हमेशा इन्फॉर्म करना है इंडिया में कि आप कैसे हैं, वहाँ का लोकल कंडीशन क्या है। एंश्योर दैट यू रिमेन इन कॉन्टैक्ट विद द हाई कमीशन ऑफ इंडिया इन ईरान एंड कीप देम इन्फॉर्म एट ऑल टाइम्स ऑफ योर मूवमेंट्स। गिवेन द अनप्रिडिक्टेबल सिचुएशन, द वेसल ओनर्स एंड द वेसल एजेंट्स आर ऑल्सो एडवाइज टू अवॉइड बर्थिंग वेसल्स एट पोर्ट्स इन ईरान एज फार एज पॉसिबल एंड प्रैक्टिकेबल टू प्रिवेंट एनी पोटेंशियल रिस्क और
अनसर्टेनिटीज दैट कुड अफेक्ट द सेफ्टी एंड इंटीग्रिटी ऑफ द वेसल एंड इट्स क्रू ऑन बोर्ड. Also, they are encouraged to consider alternative ports for loading discharging operation and may also consider to the reschedule the same till the situation cease to exist to other ports or regions that are currently stable and safe for maritime activities. Vessel owners, vessels managers and all concerned parties are further advised the following. First, ensure all crew members are briefed about the current advisory issued by MEA, Government of India, available in their website following link. ये link में भी दिया हुआ है, यहाँ पे भी आप देख सकते हैं, जितने भी seafarer हैं और owner हैं और जो manning agent हैं उनके लिए है. And emphasize the importance of adhering of safety protocol. Enhance security measures on board to prevent any unforeseen incidents, including but not limited to maintaining a highest state of readiness, ensuring all security equipment is operational and safety drills be conducted therefore. Regularly check for the updates for the High Commission of India in Iran and other relevant authorities to be abreast of the situation at all time. Always have emergency contact numbers readily available and ensure that all crew members are aware of them. By strictly adhering to the advisory so as to collectively ensure the safety and well-being of our seafarers and the seamen and the seamless option of maritime activities during the period of the said civil unrest in the Bangladesh. In case any further assistance is required, contact the High Commission of India in Tehran, Iran at the emergency number for any assistance. ये number दिया गया है, ये email ID है Tehran, Iran में जो अपना हाई कमीशन है और द सी फेयरर्स एनओकेस आरपीएस एजेंट्स एंड वेसल ऑनर्स एंड अदर कंसर्न इंटरेस्ट इन्वॉल्व में कॉन्टैक्ट द डायरेक्टरेट नोडल ऑफिसर डीजी स्कोपिंग एज पर द कॉन्टैक्ट डिटेल्स. ये है डॉक्टर कैप्टन डॉक्टर डेनियल जोसेफ साहब का सिग्नेचर है और ये एडवाइजरी डीजी शिपिंग ने जारी किया है सी फेयरर के लिए जो लोग ईरान इराक में काम कर रहे हैं या जो लोग लाइनअप है साइन ऑन साइन ऑफ के लिए उनको पोस्टपोन करना है अपना साइन ऑन साइन ऑफ वहां से और वहां से दूसरे पोर्ट पे साइन ऑन साइन ऑफ करने का ये एडवाइजरी जारी हुआ है. थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो. इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा आप शेयर करें ताकि ज्यादा से ज्यादा हमारे सी फेयरर मित्र अपने को सुरक्षित बना सके. थैंक यू.